हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दसवीं कक्षा के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो 2020 के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी सिलेक्ट किया है और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी सिलेक्ट किया है, जो कि 2 नंबर का और 5 नंबर का है। तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें सभी। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इस प्रश्न के बारे में बात किया था। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया जो होता है उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 2017 के एग्जाम में इसको पूछा गया है। साग सब्जियां जो विघटित होकर कंपोस्ट बनती है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, सभी। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको देखने के लिए मिलेगा, कि इनमें से ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगर सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछे तो आप वहाँ मारिएगा पोटेशियम को। ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है, और अगर सबसे कम पूछ ले तो आप वहाँ पे सोना को मारिएगा, अगर सोना नहीं रहेगा तो चांदी। ठीक है, यहाँ देखिए जिंक और लेड, यानी जिंक और लेड जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है या समान क्रियाशील है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो तीसरा नंबर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अधिक क्रियाशील, जिंक और लेड जो है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, 2Mg+O2 गिव MgO, यानी मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से संयोग होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है आपका वियोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए, इसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि आपस में संयोग हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं है, यानी कि ऑक्सीकारक नहीं है। ये प्रश्न के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीकारक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, यानी सूर्य का प्रकाश में टूट जाता है। सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड, उसके बाद है पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये सूर्य के प्रकाश में टूट जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, यानी प्राकृतिक गैस का दहन जो है, प्राकृतिक गैस जो जलता है ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो देखिए, जब गैस जलेगा तो ऊष्मा निकलेगा, और ऊष्मा निकलेगी तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर 8 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन अवकारक है। अवकारक के बारे में बताए थे, हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा क्या होता है, अवकारक होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। 10 नंबर प्रश्न देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो अवकारक कहलाता है, पिछले वीडियो में भी मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, विस्थापन, संयोजन, अपघटन, द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया का जो डिफिनेशन होता है उसमें इसका डिफिनेशन होता है, यौगिक टूटता है और 2 छोटा यौगिक का निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया जो कहलाता है वो अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अब अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का एक सूत्र आपको जरूर पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में संगमरमर जो होता है वो
यानी कि इसका जो रासायनिक सूत्र होगा ये हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है, ठीक है। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय संयोजन अपघटन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्क्रमणीय। यानी कि दोनों दिशाओं में अग्रसर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया आपको, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा निकलती है बाहर होती है उसको ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? यानी कि एलपीजी जो होता है, जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका पूरा नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों इसका मुख्य घटक होता है। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन में क्या होती है? ऊष्मा निकलती है, श्वसन जो लेते हैं उससे हमारे शरीर में ऊष्मा मिलती है, तो इसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर। 17 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है, प्रतिक्रिया के रंग नहीं, प्रतिफल के मोलों का अनुपात ये भी पता चलता है, अभिकारकों का सूत्र ये भी पता चलता है, अभिकारक में उपस्थित परमाणु। तो इसमें जो हो जाएगा प्रतिक्रिया के रंग, यानी कि प्रतिक्रिया जो होगा उसका रंग का पता नहीं चलता है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं, गैस, ताप, प्रकाश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि जब ज्वाला जलेगा तो ताप और प्रकाश दोनों निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, ठीक है। 19 नंबर, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? यानी कि दानेदार जस्ता पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो कौन सा गैस निकलता है? हम बताए थे पिछले वीडियो में कि कोई भी धातु में जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को कहते हैं, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और जलेगा, जलना क्या कहलाएगा? दहन कहलाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनते हैं, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करता है, यानी कि H2 और Cl2 संयोग करता है, तो ये बना लेता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, अमोनिया में कितने अणु होते हैं? 1, 2, 3, 5, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, अमोनिया में 3 अणु होते हैं, ठीक है, जिसको NH3 कहते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न है हमारा, पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन से किस यौगिक का निर्माण होता है? यानी पोटेशियम क्लोरेट जब टूटता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो जब पोटेशियम क्लोरेट टूटेगा तो ये पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम डाइऑक्साइड, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, किसी अम्ल का भस्म से अभिक्रिया होने पर बनते हैं, कोई अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 2 नंबर वाले प्रश्न का बात करते हैं, ये 1 से 10 तक 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उदाहरण के साथ समझाएं। ये प्रश्न बहुत ही VVI है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसका तैयारी पूरी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और उदाहरण के साथ समझाना है। अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता क्या है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी बार बार पूछता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है क्यों? ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपका, क्योंकि इसको भी बार बार पूछा गया है, ठीक है। सोडियम धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है क्यों? अगला प्रश्न देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं,
अगला प्रश्न है, सल्फर ट्राईऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग होने से क्या होता है? यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड और जल के बीच संयोग होता है तो हमारा बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बार बार पूछता है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही VVI है, इसको बार बार पूछा गया है। लगभग अभी तक के 2011 से 2018 तक का उल्टा लें तो इसको लगभग 5 बार पूछ चुका है ये प्रश्न को। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको करना ही करना है। अगला प्रश्न है, उदासनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दें। उदासनीकरण अभिक्रिया सिंपली समझ जाइए, अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, उसी को उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या बनाते हैं? इसके लिए एक संतुलित समीकरण लिखिए, ये प्रश्न आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित करें, यानी वियोजन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है और संयोजन अभिक्रिया क्या है। ये आपको करना ही करना है क्योंकि 5 नंबर में इसको कई बार पूछ चुका है, ठीक है, बिहार बोर्ड। तो आपको ये प्रश्न कर लेना, ये सारे प्रश्न कर लेने से आपका पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का, ये आपका पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।